ये पैनल का मास्टर की है, इसमें नंबर लिखा हुआ है, हमें पैनल के पास में ही रखना है, डेवलपर की को हमें पैनल से दूर रखना है, बस हमें पैनल पर टच करके छोड़ देना है। इसका सीरियल नंबर ये आ गया। अब इसका सीरियल नंबर चेंज करने के लिए आप ये सपोज दैट आप पहला नंबर का बटन प्रेस करते हैं तो इसका पहला डिजिट चेंज होगा, तो इसको मुझे 10001 करना है तो मैं 10001 कर देता हूँ। दूसरे नंबर से इसका दूसरा डिजिट चेंज होगा तो मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ दूसरे बटन से। और यहाँ पे हमें खास बात का ध्यान रखना है कि टू लाइन कॉइन कार्ड प्लस GSM, इसमें कार्ड का ऑप्शन रहना ही चाहिए। एक नंबर बटन से आप इसके ऑप्शन को घटा कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं इसे टू लाइन कॉइन कार्ड GSM कर देता हूँ। इसमें कार्ड का ऑप्शन रखना कंपलसरी है, सेटिंग को सेव करने से पहले देखना ज़रूरी है। अब ये सेव हो चुका है, अब हम इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये कार्ड एक्टिवेट करने को मांग रहा है, तो जो पैनल का मास्टर की है हम उसे ही इस पर रख के एक्टिवेट करेंगे। हमने इस पर रख दिया है, ये कार्ड स्कैन हो गया है और ये एक्टिवेट भी हो चुका है। अब ये जो मास्टर की है मैं इस पर टच करता हूँ तो अब ये 10001 लिख के आ रहा है। सेटिंग कंप्लीट हो गई हमारी, दैट्स ऑल।